नमो विद्रागाय, नमो विद्रागाय, विद्रागाय, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्तारो, ऐसो पंचन मुक्तारो, ऐसो पंचन मुक्तारो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलानं च सव्वेसीं, मंगलानं च सव्वेसीं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए डॉक्टर साहब। यार आनंद जी, आपके वहां से वो आवाज एको आती है हेडफोन के लिए, प्लस हाँ जी, ये पद सबको जय सच्चिदानंद, बिहारी आनंद जी जय सच्चिदानंद, दीपक आनंद जय सच्चिदानंद, ये पद है आश्री मुख मास की नंबर सीडी बोलिए। इसमें थोड़ा नीचे जाके है, स्वधारा संतोषी जीव ने परलोक के सुखनी आशा छे, बाकी तो पाशव ने कर्मों ने तिर्यंश के नार की वासा छे। ये जो सेकंड सेंटेंस है ना, वो थोड़ा समझाए, बाकी तो पाशव कर्मों ने तिर्यंश के नार की वासा छे, थोड़ा ये समझाए। नीचे थोड़ा क्या बताया, ये शुरू होता है स्वधारा, 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 हाँ ये स्वधारा, ये वाला स्वधारा का मतलब क्या है कि अपनी पत्नी होता है ना, हाँ बस अपनी पत्नी के साथ अपनी पत्नी को संतोष दिया सभी प्रकार से, विषय सुख में और सभी प्रकार से, सदा जीवने पत्नी का साथ। यार यानी जी आपकी आवाज कटती है, वीडियो बंद करता हूँ, आपकी आवाज कटती है, वीडियो बंद करता हूँ। हाँ इसका मतलब ये है कि जो अपने हक का विषय भुगतता है, जो हक का है, जो समाज मान्य है, वो विषय भुगतता है, तो उसको दादा भगवान बोलते हैं कि परलोक के सुखनी आशा है, मतलब परलोक के जाए तो उसको सुख की आशा है, बाकी तो पाशव कर्मी ने परलोक के दूसरे जन्म में ना, परलोक मतलब दूसरे जन्म, हाँ परलोक, ये परलोक के लिए पुनर्जन्म,
जहाँ ऊपर जाए परलोक जाए लग सु के लग हिंदी में प्लीज। हाँ स्वर्ग में जाता है उसको परलोक बोलते हैं, देवगति में जाते हैं उसको परलोक बोलते हैं, दूसरे जन्म में अगर वापस मनुष्य में आता वो भी परलोक में ही आएगा ना? ना उसको परलोक नहीं बोला जाता है। अच्छा ये लोग छोड़ के अलग लोग में जाता है तो उसको परलोक बोलते हैं। अच्छा हाँ बाकी बाकी तो जो पासव कर्मी है तो पासव कथा का कर्म किसको बोलते हैं, जो दूसरे को हैरान करके खुश होता है, जो अहंक का विषय भुगतता है, वो सब पासवता का कर्म है। क्या है? पासवता का कर्म मतलब के दूसरों को दुख देकर जो आनंद भुगतता है वो पासव कर्मी है। तो उसको क्या मिलेगा, तिर्यंच या नारकी, पशु गति में जाएगा या नर्क गति में जाएगा, वहां उसका ठिकाना है। दोनों में से कोई भी मिल सकता है, लेकिन ये तो बोला जाता है कि अगर आप दूसरों को दुख देते हैं तो आपको नरक का गति होता है। नहीं ये तो इतनी इसकी तीव्रता कितनी है। अच्छा 2.5 का रिचर स्केल पर धरती कंप आएगा और 7 रिचर स्केल का धरती कंप, दोनों ही धरती कंप ही कहलाएंगे। लेकिन असर कहाँ ज्यादा होती है? 7 वाले में, 2.5 वाले में नहीं। तो इसी तरह पासव कर्म तो किसी भी प्रकार के किसी को दुख देते हैं, किसी को चिढ़ाते हैं, किसी को हैरान करते हैं, अणक का विषय भुगतते हैं, कालाबाजारी करते हैं, योग करते हैं, जितने भी नेगेटिव है वो सब पासव कर्म हो जाता है। तो उसको जितनी तीव्रता है इस हिसाब से वो तिर्यंच या नरक में जाएगा। ज्यादातर तिर्यंच में जा, नरक में जाने के लिए तो बहुत ही बड़ा कर्म करना पड़ता है। और दादा भगवान बोलते थे कि अभी तो नरक में जा सके, जो सबसे कठिन नरक है 2, उसमें जा सके ऐसा कोई कर्म कर ही नहीं कर सकता है अभी तो। हाँ तो जो हार्ड वाली नरक है वो बंद है, वहां जाने के लिए जो कर्म यहाँ करना पड़ता है वो अभी कर सकता नहीं है, इतनी ताकत ही नहीं है मनुष्य में, आज के मनुष्य में। इसलिए तिर्यंच या निचली वाली जो नरक गति है उसमें जाता है। ठीक है, इसमें आगे थोड़े कुछ वर्ड्स हैं, कई कई जगह वो समझ नहीं आ रहे। जैसे ये एक है नीचे जाके, घर बार आने आवा सकबन अंसारे काजल कोठड़ी छे। हाँ जंजालो थी सूटवानी इच्छा कर वस्तु मोटी छे। ये इसमें इच्छा कर वस्तु क्या बताते हैं? ले एक वो कहना क्या चाहते हैं कि जंजाल में से मुझे छूट जाना है, ऐसी इच्छा कर तू, तू ऐसी भावना रख कि ये सारे संसार से, ये सारे घर बार से, ये सारी जंजाल से मैं छूट जाऊं, ऐसा भाव कर। तो कि ऐसा भाव जो करता है वो बहुत ही बड़ी बात है। अच्छा वो वस्तु, उसको वस्तु बोला? हाँ बहुत ही बड़ी बात है, वो वस्तु मोटी छे। अच्छा बहुत ये बात मोटी छे। अच्छा जिसको यहाँ से छूटने की भावना है, सभी जंजाल। हाँ। ये डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो जंजाल वाला लगता है कि सरल लगता है? जंजाल वाला लगता है। तो वो ये सभी जंजाल में से छूटने की जो भावना करता है, इच्छा करता है, वो बहुत ही बड़ी बात है।
नीचे एक और है तप, वो उसमें भी एक है तो तप उनोदरी सत्संग बीड़ी वितराग बीड़ो वितराग सवानी जचूटनी चुटवाना सत्कामी छे ते निरपेक्ष सुमनी छे। ये सुमनी क्या होता है? ये छुटवाना सत्कामी छे ते निरपेक्षित ज सुमन। सुमन क्या होता है? सुमन यानी का अच्छा मन। मन तो मन ही होता है ना, अच्छा बुरा कैसे होगा? वो जो जिसको छुटने की भावना है और जो सत का कामी है हाँ। वो निरपेक्षित मतलब के संसार के कोई भी चीज की अपेक्षा किए बिना वो निरपेक्षित ही सुमनी छे, तो के वो अच्छा मन वाला है, उसके अंदर नेगेटिव चलता नहीं है, किसी को मारने का, किसी को हैरान करने का, किसी को तकलीफ देने का ऐसा नेगेटिव कुमन नहीं है। तो छुटने की भावना है वो निरपेक्षित सुमनी है। मतलब ये मन भी उसको कुमन सुमन होता है ऐसे? हाँ, ये तो गलत विचार आता है तो उसको कुमन कहते हैं। अच्छा अच्छा। और अच्छा विचार आता है तो उसको सुमन कहते हैं। अच्छा ऐसा। हाँ, फिर थोड़ा नीचे जाएंगे तो उसमें थर्ड लास्ट पैराग्राफ में है, उसमें भी ऐसे थोड़ा नीचे जाए तो उसमें दर्शन कर तीर्थंकर मूर्ति ए निर्मल आंखों चोखी छे। फिर ये दूसरा लाइन जो है ना ये थोड़ा सा बताए, निर्वासनी नयनों नी धारा निस्पृही संगीत नोखी छे। ये निर्वासनी नयनों नी धारा क्या बताना चाह रहे? लेके उसकी आंखों में किसी भी प्रकार की वासना नहीं है, उसको निर्वासनी बोलते हैं। अच्छा, ये हाँ निर्वास, वो आंखों से पता चल जाता है कि ये पुरुष विषयी है कि निर्विषयी है, पता चलता है ना। अच्छा हाँ, तो निर्वासनी नैनो की धारा, इतने के जो आंखों में किसी भी प्रकार की वासना नहीं है वो निर्वासनी नयनम बोलते हैं धारा। अच्छा, ऐसे तो ऐसे निष्प्रुही व्यक्ति कि आपको अगर संगत मिलती है, उसके साथ बैठने उठने का मिलता है तो वो तो बात ही अलग है। अच्छा ऐसा। और ये लास्ट पैराग्राफ है, स्त्री पुरुष या तो नपुंसक ने चित्रेलु पुद्गल मूजवे छे नेशुदात्मानी सिद्ध गति अलिंग अगोचर अभ्रे छे। ये लास्ट लाइन जो है ना वो थोड़ा बता दीजिए क्या ये पूरी लाइन लेंगे तो ही पता चलेगा। तो जो जो शरीर मिला है ना स्त्री का पुरुष का या नपुंसक का, जो शरीर मिला है तो वो किस आधार से शरीर मिला है? तो पूर्वे उसने जो भी चित्रामण की है, उसने जो भी भाव किया है, वो भाव का परिणाम स्वरूप ये शरीर उसको मिलता है जी। तो ये शरीर अभी उसको मुझौता है, उलझन है, उलझन है। हाँ, उलझन पैदा करता है। हाँ। अलग अलग किस्म की। हाँ। अरे शुद्धात्मा निषिद्ध गति अलिंग अगोचर अभरे छे, और शुद्धात्मा की, शुद्धात्मा जब मोक्ष में जाता है तो सिद्ध गति नाम का एक क्षेत्र है, सिद्ध गति सिद्ध क्षेत्र बोलते हैं, वहां ये शुद्धात्मा चली जाती है। तो जो शुद्धात्मा है वो अलिंग है, उसका कोई लिंग नहीं है, कोई लिंग नहीं है, स्त्री पुरुष या नपुंसक कोई लिंग नहीं है। तो शुद्धात्मा की सिद्ध गति वो अलिंग अगोचर अभरे छे, अगोचर मतलब कि ये दृष्टि में भी ना आए ऐसी अगोचर। तो वो शुद्धात्मा की जो स्थिति है वो अलिंग स्वरूप की, तो वो सिद्ध गति में वो अगोचर है। अभरे क्या होता है?
अगोचर अभ्रे छे, अभ्रे छे मतलब के वो बिल्कुल न्यारी है, बिल्कुल न्यारी है। हाँ ये ऊपर कल थोड़ा सा ये मैंने पूछा था लेकिन थोड़ा और क्लियर करना चाहता हूँ। वो सेकंड पैराग्राफ में ये लाइन है, आ दुनिया मा गुंजवान गुंजवानी त्री विषय गांठ ज मोटी छे, दीपक आनंद जी। हाँ ये सेकंड पैराग्राफ में एक वर्ड है त्री 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 नहीं त्री त्री डैश विषया, तो ये त्री विषय मतलब तीनों लिंग का विषय होता है कि थोड़ा सा कोई और मतलब होता है थोड़ा ये वो मिल जाए बात पे पता चलते। त्रिविषया गांठ ज मोटी छे, हाँ ये त्री विषय मतलब तीन विषय, स्त्री पुरुष नपुंसक का तीन विषय वो स्त्री ये बता दी और मतलब है इसका। नहीं ये त्रिविषय क्योंकि ये तीनों प्रकार की होती है ना, हाँ पुरुष स्त्री या नपुंसक, वो तीनों प्रकार की जो गांठ है, अच्छा उसी का तीनों को साथ विषय की जो भावना रहती है वो त्रिविषया गांठ, वो तीनों गांठ जो है वो विषय सहित है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो पुरुषलिंग हो या नपुंसक लिंग हो, ये तीनों को स्त्री के प्रति विषय या पुरुष के प्रति विषय या नपुंसक के प्रति विषय वो तो ठीक, लेकिन ये त्रिविषय मतलब स्त्रीलिंग पुरुषलिंग नपुंसक लिंग, ये तीनों लिंग जो है वो विषय के साथ है। अच्छा हाँ नपुंसक है तो उसका भी विषय है, पुरुष है तो पुरुष लिंग का है, स्त्री है तो स्त्रीलिंग का है। अच्छा ये सभी जो है वो जो तीनों तीन जो लिंग है तो वो जिसके जिसको है उसको वो मुझौती है, वो उसकी गांठ बनाते हैं तो उसकी अलग अलग गांठ होती है। हाँ अलग अलग वो संस्कार होते हैं। अच्छा स्त्री के अलग होते हैं पुरुष के, स्त्री देह मिला पुरुष देह मिला या नपुंसक देह मिला, तो तीनों का जो विषय की जो गांठ होती है, गांठ मतलब हम जैसे समझते हैं ऐसी गांठ नहीं, लेकिन उसके वो संस्कार ज्यादा होते हैं। अच्छा हाँ उसके 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 आवरण समझ ले ऐसे। हाँ उसके परमाणु 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 हाँ, तो वो गांठ की वजह से ही उसको आसक्ति होती है, आकर्षण होता है, मोह होता है। तो ये जो तीन गांठ है त्रिविषय गांठ, उसकी वजह से ये संसार की सभी सभी कसाय और मोह की अग्नि उसके आधार से ही जलती रहती है। जलती रहती है। हाँ समझ में आया, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके जय बहन। जय सच्चिदानंद दीपक भाई। जय सच्चिदानंद जय बहन। और रेफरेंस में भूल गए नोट करने का। हाँ वो तो है। भाव अभाव यह कर्म है, स्वभाव भाव यह पुरुषार्थ है। कहाँ है रेफरेंस, कहाँ से मिलेगा? आई डोंट नोट द नंबर। नो बट वेयर डिड यू रीड इट फ्रॉम? वो दिव्य देशना आते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। भाव अभाव क्या बताए? वो आधा आधा सब फेस बोलो। भाव अभाव यह कर्म है। हाँ बराबर। स्वभाव भाव एक पुरुषार्थ है। बराबर। तो के जहां तक मैं जया बहन हूं
ऐसी मान्यता है, वहां तक आपको अच्छा भाव होता है या गलत भाव होता है, मतलब भाव होता है या अभाव होता है, तो वो तब तक नया कर्म बनता है। ओके, हाँ, भाव अभाव है वहां तक नया कर्म बनता है। क्यों कि मैं जया बहन हूं और मैं ये करती हूं, ऐसी बिलीफ है, वो बिलीफ की वजह से आप चाहे अच्छे भाव करो या बुरे भाव करो तो वहां नया कर्म बनता है। और स्वभाव भाव फिर क्या है, स्वभाव भाव से पुरुषार्थ है। हाँ, स्वभाव भाव वो पुरुषार्थ है। तो के स्वभाव क्या है, तो मैं शुद्धात्मा हूं और शुद्धात्मा का जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, हाँ, तो वो उसको स्वभाव भाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वभाव भाव। वो आत्मा का दरअसल स्वभाव है। ओके, जैसे आप जया बहन हो लेकिन हकीकत में जया बहन नहीं हो, बराबर है जी। हाँ, तो आप हकीकत में शुद्धात्मा हो, तो शुद्धात्मा की अपेक्षा से ज्ञाता दृष्टा पद जो है वो स्वभाव भाव है। ओके, क्या है? स्वभाव भाव। वो भाव, उसको भाव बोलते ही नहीं है लेकिन वो आत्मा का स्वभाव है। ज्ञाता दृष्टा देखना और जानना वो उसका आत्मा का स्वभाव है, तो वो दरअसल पुरुषार्थ है। क्या है? दरअसल पुरुषार्थ है। क्यों उसको पुरुषार्थ कहा? तो वो जो प्रभाव है उसको वो जानता है। ओके, हाँ, शुद्धात्मक दृष्टि से वो जितने भी अभाव भाव हुए उसको जानता है, तो जो जानने वाला है वो उसका स्वभाव भाव में आ गया और वही उसका पुरुषार्थ है जी, बराबर। ओके, हाँ। एंड वन स्मॉलेस्ट थिंग, आई वांट टू नो एक्सप्लेनेशन ऑफ संगमेश्वर भगवान। हाँ, तो के सभी भगवान का संगम, जितने भी भगवान हुए हैं वो सभी का जो गुण है, सभी का जो लक्षण है, सभी का जो पावर है, वो सब एक ही भगवान में, दादा भगवान में आए गए, इसलिए दादा भगवान को संगमेश्वर भगवान कहते हैं। ओके, जिसको कोई स्वामीनारायण वाला है तो उसको उसमें स्वामीनारायण भगवान दिखाई देंगे, कोई जैन वाला है तो उसको तीर्थंकर भगवान दिखाई देंगे। तो जो जो आदमी, जो जो व्यक्ति दादा भगवान के अंदर, जो जो भी व्यक्ति का, जो जो भी भगवान का दर्शन करना चाहता है, वो सभी एक दादा भगवान में आ गए हैं, इसलिए उसको संगमेश्वर भगवान कहते हैं, दादा भगवान को। हाँ, जय सच्चिदानंद बिहारी भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद महात्माओं। ये वितराग की जो दशा है वो कब होगी? अभी तो संकल्प और विकल्प इतने हैं, और स्पेशली जहां पर मोह है वहां पे विकल्प ज्यादा है, बगैर संकल्प के बदले विकल्प ज्यादा है। एंड नींद में जैसे सपने देखते हैं तो विकल्प की सपने बहुत आते हैं जहां मोह है, तो इससे कैसे छूटे? एक एक करके प्रश्न एक एक पूछो। सॉरी, हाँ जी, हाँ, प्रश्न के रूप में पूछो। हाँ, वितराग की जो दशा है वो कैसे पा सकते हैं, बिकॉज संकल्प विकल्प इतने आते हैं। बराबर बराबर। तो ये जो वितराग की जो दशा है वो पूनम है। क्या है? अनुभव पूनम, यानी कि पूर्ण चंद्रमा। ओके, अभी हमने ज्ञान लिया है तो ज्ञान के लेने के बाद अंदर की, भीतर की आपकी जो जागृति बढ़ती जाती है वो
धीरे 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 पूनम होकर खड़ी रहती है। तो के वितराग होने की हमारी शुरुआत हो गई है। वितराग दासा यानी पूनम फुल मून, और महात्मा जो है उसकी शुरुआत हो गई है। वो चौथ पांचम छठ सातम वो अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी हमारे कर्म है वो खपते जाते हैं, कम होते जाते हैं, उतने उतनी हमारी दशा जागृत होती जाती है। तो जो तीर्थंकर भगवान की जो दशा है वो लास्ट दशा है, वो ही वितराग दशा है। क्या है? वितराग दशा। हाँ, तो वो हमारी भी आएगी। लेकिन आप जिसको अभी संकल्प विकल्प बोल रही हो वो हकीकत में संकल्प विकल्प नहीं है। हाँ, संकल्प विकल्प अभी ये नहीं है। लेकिन कभी कभी बहुत डरावने सपने आते हैं, जैसे सवेरे 3 बजे 4 बजे, और वो भी नेगेटिव विकल्प वाले संकल्प बहुत ज्यादा आते हैं, लाइक डेथ के, इसके उसके, मेरे नहीं, जहाँ मोह है उनके। हाँ, तो जितना जितना वो संकल्प विकल्प जो आप बोलते हो तो हकीकत में वो सभी कल्पनाएं हैं। क्या है? कल्पनाएं, हमारी कल्पनाएं हैं। और हकीकत में भगवान संकल्प विकल्प किसको बोलते हैं? तो कि मैं अनु हूं, वही संकल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? संकल्प। वो आत्मा का विकल्प है। आप हकीकत में शुद्धात्मा हो जी, लेकिन पहचान के लिए जो नाम दिया है अनु, तो वो शुद्धात्मा का विकल्प है। क्या है? शुद्धात्मा का विकल्प अनु है, वो शुद्धात्मा का विकल्प है। तो उसको विकल्प बोलते हैं। हकीकत में है शुद्धात्मा, लेकिन अभी मानता क्या है कि मैं अनु हूं। तो ये आत्मा का विकल्प हुआ, उसको विकल्प बोलते हैं। और संकल्प यानी कि जो विचार मन में आ रहे हैं उसको गलत मान्यता की वजह से ये मेरा है ऐसी जो मान्यता होती है उसको संकल्प बोलते हैं। जो हकीकत में खुद का नहीं है फिर भी खुद का मानना उसी को संकल्प कहते हैं। तो ये संकल्प विकल्प हमारे गए ज्ञान लेने के बाद। ज्ञान तो आपने लिया है ना जी? हाँ, तो वो संकल्प विकल्प दोनों गए। तो अभी जो कुछ भी सपने जो बुरे आते हैं, डरावने आते हैं, तो वो अंदर जो भी आप संस्कार लेके आए हो, जो भी कर्मों का बंधन लेके आए हो, वो अभी खाली हो रहा है। चाहे वो डरावना आए चाहे वो आनंददायक आए, तो वो अभी खाली हो रहा है। तो अभी आपको आनंद होने का है कि ये कचरा निकल रहा है जी। कचरे को निकलते हुए हम अभी देख सकते हैं जी, लेकिन ये मान्यता में नहीं हो रहा है, लेकिन मान नहीं सकते हैं क्योंकि हो रहा है। हाँ, जब तक आपको पता नहीं है तब तक आप संकल्प विकल्प बोलेगी तो फिर वो मान्यता में नहीं बैठेगा ना। लेकिन ये कचरा है, डिस्चार्ज हो रहा है सब। हाँ, तो जिसने जो व्यक्ति जो भी जीव जो संस्कार लेके आता है वो संस्कार ही बाहर निकलेगा। जैसे हाँ, कि कोई मुसलमान है जी, तो उसको नॉन वेज का विचार बहुत ज्यादा आएगा जी। आपको आता है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं आता है? नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन है। हाँ, तक नहीं, वो संस्कार ही नहीं है। और उसको नॉनवेज खाने का विचार आता है तो उसको क्यों आता है? क्योंकि उसके अंदर ये माल पड़ा हुआ है। माल पड़ा हुआ है, तो आपके भीतर में जो भी माल पड़ा है भय का, भय लगता है ना, डरावने सपने आते हैं, वो आते हैं। तो जो माल पड़ा हुआ है वो माल अभी खाली हो रहा है, इसलिए
भीतर से आपको आनंदित होना होने का है कि चलो जी भी कितना निकल रहा है। डिप्रेशन कब आएगा कि अभी अभी भी मुझे ऐसा क्यों विचार आते हैं, अभी भी ऐसे नेगेटिव सपने क्यों आते हैं, ऐसा आप मानेगी तो डिप्रेशन आएगा। लेकिन ये खाली हो रहा है, जो भी माल भरा पड़ा है वो खाली हो रहा है और मैं स्वच्छ होती जा रही हूं। हाँ, जैसे पहले से बहुत संकल्प विकल्प बिल्कुल मतलब कम है, बिल्कुल ना के तो पहले बराबर तो है वो संकल्प। संकल्प विकल्प ही नहीं है। अच्छा। हाँ, उसको संकल्प विकल्प कहते ही नहीं है, वो विचार है और विचार के सब कल्पनाएं हैं। अच्छा, ओके जी, बात समझ में आई? बराबर है। हाँ विचार की कल्पना ही है ये, जब उसको हाँ एनालाइज करते हैं तो विचार की कल्पना ही है, हाँ और जहाँ अटैचमेंट है, मोह है, उनके प्रति ज्यादा आते हैं, तो बराबर वो हाँ मेरा है ही वो तो नहीं। आएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति के प्रति, जो वस्तु के प्रति आपका मोह है, जी अभी अभी भी आप सवाल थोड़ा खुलकर पूछे तो एग्जैक्ट कहाँ कहाँ क्या बात करनी की है वो मुझे पता चले। कभी मतलब भी मेरे आप बे गोल गोल बात कर रही है ना। नहीं, गोल गोल तो नहीं, यस, मेरे बेटी के लिए होता है, वहां पे हाँ, ज्यादा अटैचमेंट है थोड़ा तो, और दूर कहाँ रहती है, रहती है, साथ में यूएस है? नहीं, यूएसए में रहती है। ओहो, इतने लंबा तार आपने डाला है, हाँ, बहुत लंबा तार, हजारों किलोमीटर लंबा तार है। अभी थे उनके साथ में ही थे, मैं अब भी आई हूँ वहां से, बराबर बराबर। एक साल वहीं तो थे हम लोग। वो जो लगाव है, जो अटैचमेंट है ना, जी इसकी वजह से उसकी याद आएगी। लेकिन आपको समाचार मिले कि उसको खूब उधरस हो गई है, बुखार आ रहा है, तो यहाँ बैठे बैठे आप क्या कर सकती है? हाँ, प्रार्थना ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर प्रार्थना सकते। कर सकते हैं, अगर वो कुछ गाइडेंस मांगे बेटी तो गाइडेंस दे सकते हैं, जी या और हमारी प्रार्थना जल्दी पहुंच जाती है। बराबर। जी लेकिन मेरी जो बच्ची है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं बताती है, कुछ भी होता है उसके साथ, छोटा बड़ा बहुत बड़ा, कुछ भी नहीं तो बताते, बिकॉज आपको वो जानकर मुझे, क्या क्या करना है? वो तो है बिल्कुल सही, मैं क्या कर सकती हूँ, नहीं, लेकिन आपको वो जानकर भी मुझे, क्या करना है? उसको हाँ ऐसा है कि जो कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगी, मम्मी को व्यर्थ चिंता क्यों कराऊं, मम्मी वो बिल्कुल तंग नहीं को करती है, जानकारी बिल्कुल देकर उसको क्यों चिंता बढ़ाऊं। बिल्कुल ठीक। हाँ, मैं पहुंच सकती हूँ, मैं संभाल सकती हूँ, तो वो तो अच्छी बात है। ये वो किसी भी, कोई भी बात हमारे पास आती नहीं है, तो अच्छी बात है ना। बिल्कुल हाँ, और आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी हो जाए तो भी मुझे जानकारी देती नहीं है, तो भी आपको जानकर करना क्या है? जानकारी लेती तो नहीं हूँ, 8-10 दिन हो जाते हैं तो फिर ही बात होती है मेरी, खुद के बात पास ही में से टाइम। बात निकल जाए और वो बात कहे वो हाँ अलग बात है, लेकिन हमको ये प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न हमारा क्या है कि वो हमको क्यों कुछ कहती नहीं है, हमको कुछ कहती नहीं, तो वो प्रश्न नहीं है। तो हमको समझे कि वो तो अच्छी बात है, अपना खुद संभाल नहीं, लेती। अपना मोह, मेरा उल्टा मोह छुड़ा रही है। आई एम थैंकफुल टू हर, मैं हाँ, शुक्र गुजार हूँ उसका। ये सही सोच है। हाँ, आपका जो अटैचमेंट है वो छुड़ा रही है, और जो बच्ची के साथ है तो वो बच्ची का ऋण अनुबंध है कि आपका उसके साथ है अटैचमेंट। मेरा है उसका तो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, तो ये हमको देखने को मिलता है कि हमारे अंदर ये कितना माल भरा पड़ा हुआ है जी और कहाँ तक लंबे होते हैं, यूएस जी बिल्कुल तक सही। पहुंच जाते हैं। नहीं हाँ, यहाँ का तो संभल नहीं रहा है और यूएस में पहुंच नहीं जाते हैं। नहीं ये थॉट इसलिए आया, कल मदर्स डे था इसलिए थॉट आया, ऐसे व्हाट इज दिस, मदर्स डे पे आल्सो यू डोंट विश दिस, ऐसे एक मैसेज छोड़ दिया, मॉम आई वाज बिजी, हाँ, बस बराबर ठीक है, फिनिश हो गया। बराबर है। वो मैसेज करते रहे मदर्स डे, वो जो भी हाँ डे, तो सबको याद आती है और अलग अलग किस्म के
मैसेज आते हैं तो तुरंत ही याद उभर जाती है। पर मुझे भी कहाँ पूरा दिन याद था, मुझे भी सोने के टाइम पे थोड़ी उसकी याद आती है तो मैसेज कर देती हूँ बस, दैट्स इट। बराबर बराबर। ठीक है, तो जो भी ये अच्छा पुरुषार्थ है, जो भी याद आए, जो भी अंदर उलझने खड़ी हो, तो मैं शुद्धात्मा हूँ और ये अनु का मान निकल रहा है। बराबर, शॉर्ट में इतना ही है। तो वो धीरे धीरे खाली हो जाएगा जी। बराबर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ओके, थैंक यू। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, दीपक भाई जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जैसे अभी हमारे मदर फादर नहीं है, चले गए, और तो हमारी कोई गलतियां उनसे रह गई, उनके लिए हम माफी मांग सकते हैं? अभी तो उन तक पहुंच सकती है। हाँ हाँ, पहुंच सकती है, सिर्फ खोखा बदल गया है। अच्छा, बाकी तो है ना। हाँ हाँ हाँ, खोखा बदल गया है, तो हमारा भाव जो है, हमारा जो प्रतिक्रमण है, उसके प्रति हम जो पश्चाताप करते हैं, वो जो भी रूप में है, जहां पर भी है, वहां पहुंचता है। तो की हुई गलती को हम पश्चाताप कर सकते हैं अभी भी, तो जहां है वहां पहुंच जाएगा। बराबर अशोक जी, अशोक जी अनम्यूट करें। अहंकार नु विस्तृत स्वरूप ए मान कहवाए, ममता सहित अभिमान कहवाए। इतले अहंकार नु विस्तृत स्वरूप वो मान कहवाए, इतले अहंकार, अहंकार तो है, मैं हूं सभी को, लेकिन उसका विस्तृत स्वरूप क्या, तो कि मैं मेयर हूं, मैं एमपी हूं, मैं सांसद हूं, मैं मंत्री हूं। अच्छा, वो उसका मैं का विस्तृत स्वरूप हुआ ना जी, तो वो मान हो गया जी। हाँ, और फिर आगे क्या है? और मान कहवाए, ममता सहित अभिमान कहवाए। हाँ, और उसके साथ अगर ममता होए तो वो अभिमान हो जाता है जी, जी। वो अहंकार का ही दो अलग स्वरूप बताए। अहंकार तो हर एक जीव में, हर एक जीव को मैं हूं वो तो पता है, चाहे वो प्राणी है कि कुछ भी है, लेकिन मनुष्य को उसका विस्तृत स्वरूप होता है जी। मैं इसका व्यापारी हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं बनिया हूँ, हम ये है, अग्रवाल है, वो सब जितना भी होता है तो वो उसका विस्तृत स्वरूप होता है अहंकार का। अच्छा, तो वो मान हो गया। अच्छा, एक और है। हाँ, माध्यम की जरूर होए तो परवस्ता कहवाए, अन्य परवस्ता कहवाए तो मोक्ष कहवाए नहीं। हाँ, किसी भी माध्यम की या किसी भी चीज की जरूरत होए, उसकी सहायक होए, तो वो परवस्ता हो जाती है। जैसे कि हम लोग हैं, तो अभी लॉकडाउन में परवस है कि नहीं है? बिल्कुल, अशोक भाई परवस है ना, सभी लोग परवस है। बिल्कुल, तो ये लॉकडाउन एक माध्यम है जी, तो माध्यम है, इसकी वजह से परवसता होती है जी, जी।
अगर आपको बुखार आ गया है तो बुखार की वजह से आप घर में बंद है। बिल्कुल। कोई व्यक्ति अंधी है तो इसकी वजह से वो घर में बंद है जी। तो अलग अलग किस्म की जो माध्यम होता है जी। वो माध्यम जहां तक है, जहां तक किसी की भी सहायता है, किसी का भी हम टेका लेते हैं तो वो परवस्ता हो जाती है। क्या होती है? परवस्ता हो जाती है। परवस्ता। तो अशोक भाई परवश है जी, लेकिन शुद्धात्मा परवश नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। किसी भी स्थिति में आज्ञा में रहते हुए कोई आपको रोक नहीं सकता है। लॉकडाउन रोक सकता है आज्ञा में रहते हुए आपको? नहीं। अगर बुखार आया है तो क्या आप आज्ञा धर्म में नहीं रह सकते? रह सकते। हाँ, अशोक भाई परवश हो जाते हैं जी। तो ये परवस्ता शब्द जो लागू पड़ता है वो अशोक भाई को लागू पड़ता है जी। तक वो अभी परवश है, अभी सब ट्रेनें बंद है तो वो नहीं जा सकते, अभी प्लेन बंद है तो वो नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। तो अशोक भाई परवश है जी। और जहां तक परवस्ता है वहां मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है जी। लेकिन हमारा जो शुद्धात्मा पद है वो सभी परवस्ता के बीच में अपनी स्वसत्ता में होते हैं जी। समझे? जी जी बिल्कुल। ये चश्मा के बगैर अशोक भाई परवश हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर चश्मा निकाल ले तो फिर पढ़ नहीं सकते, नहीं पढ़ सकते, तो परवश हो गए। बिल्कुल। हाँ, लेकिन शुद्धात्मा परवश नहीं है। शुद्धात्मा परवश। हाँ, तो आज्ञा धर्म से हम स्वतंत्र है। वहां किसी की भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। और अशोक भाई को सभी माध्यम की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, अब पूरा वाक्य पढ़ो, अब पढ़ूं फिर से दोहराओ। हाँ, एक माध्यम की जरूर होए तो परवस्ता कहवाए, अने परवस्ता कहवाए तो मोक्ष कहवाए नहीं। हाँ, तो वो मोक्ष नहीं है। अब समझ में आ गया सर, बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी किसी को प्रश्न है तो बताएं। खुशी विधि के। जय सच्चिदानंद बिहारी दादा। क्या बात है, हिंदी में भी आप लोग, गुजराती? हाँ, वो कोई प्रश्न नहीं था इसलिए पूछ लिया। नहीं, बहुत अच्छी बात है, ऐसे मौके का फायदा उठा देने का। हाँ, उसकी तलाश में रहने का, जब भी मौका मिले तो पूछ लेने का। सही, बहुत बात अच्छी है। बात है, और सुनने का भी मिलता है ना। हाँ, सुनने का भी मिलता है। बराबर बराबर, बोलो। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि अमुक जो फाइल होती है उसमें हम आज्ञा रखने की कोशिश करते हैं लेकिन आज्ञा सेट नहीं होती है, मतलब उनके विषय में जो खराब विचार आते हैं लेकिन हम ऐसे मतलब सेट करते हैं कि विधि को आता है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करता है, ये फाइल है उसका संभाव से निकाल करना है, लेकिन ये सेट होता ही नहीं है, मतलब गुस्सा आता ही रहता है, बुरा विचार आता ही रहता है, तो उस समय क्या करने का? भले ना आवे, बुरा विचार आएगा तो जो माल बखार में भरा पड़ा हुआ है वही निकलेगा क्या, दूसरा निकलेगा? हाँ, वही निकलेगा। हाँ, राइट। तो अच्छा है या बुरा है? हाँ, तो वो क्या है? ज्ञेय है। क्या है? ज्ञेय है। ज्ञेय मतलब के जानने की चीज है। राइट। और हम शुद्धात्मा है वो ज्ञाता है। हाँ, राइट। तो निधि के अंदर और निधि में जो जो भी फेरफार होता है, हाँ, पसंद वाला या ना पसंद वाला, हाँ, वो सब ज्ञेय है। क्या है? ज्ञेय है, जानने का है। राइट। कि अभी निधि को ये हो रहा है, अभी निधि को ये विचार आ रहे हैं। हाँ, तो राइट। अच्छा बुरा जो लेबल है वो किसने लगाया?
वो तो विधि ने लगाया है, मैं तो शुद्धात्मा। राइट, अच्छा बुरा जो लेबल है वो समाज ने लगाया, विधि ने लगाया। लेकिन अब हम शुद्धात्मा दृष्टि से सिर्फ विचार ही है। हाँ राइट, अच्छा और गलत वो टाइटल निकाल देने का है। राइट, सिर्फ विचार है। हाँ, और विचार के रूप में वो ज्ञेय है। हाँ सही बात है। हाँ तो हाँ, ऐसा हमें अभ्यास करना है। हाँ राइट, समझ में आया। नहीं तो क्या लगता है हमको को गलत विचार आए, ये अच्छे विचार नहीं आते, गलत आते हैं, तो वो विचार गलत होते ही नहीं है। हाँ, अपेक्षा से वो गलत है। हाँ राइट, सही बात है। अभी हम सत्संगी हो गए तो वो विचार गलत हो गया। हाँ, जब वो हम सत्संगी नहीं है तो वो पसंद वाला विचार हो जाता है। हाँ राइट, समझे? हाँ समझ में आया। हाँ, और बहुत ऐसा लगे तो प्रतिक्रमण करने का। हाँ सही बात, लेकिन पहले ये एनालिसिस कर देने का। हाँ राइट, क्या है, मैं कौन हूँ। हाँ बराबर है, बराबर। हाँ बराबर, बहुत अच्छे से समझ में आया। तो अभी ये राह पे हमको चलने का है। हाँ बराबर है, विचार जो भी आते हैं वो अग्नि है। मान लो कि बैठे हैं 3-4 घंटे से बैठे हैं और भूख लगती है तो वो भी अग्नि है, पता चलता है ना। हाँ पता चलता है। अगर बाथरूम जाने का भाव होता है वो महसूस होता है तो हाँ, वो भी अग्नि है। हाँ राइट, यही सच्चिदानंद। उनकी आवाज कट हो गई। यार यान जी अनम्यूट करें। किसका, मेरा? ठीक है, ओके, विधि क्लियर। हाँ क्लियर, थैंक यू। जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद। कल दिव्य देशना का एक सूत्र था जिसमें व्यवहार की वैल्यूएशन मत करिएगा और आत्मा का डीवैल्यूएशन ना हो ऐसा ध्यान रखते हुए व्यवहार करिएगा। तो ये पहला भाग थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे। तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते तो करिए ना जल्दी। कल वाला ही है ये भाग एक सूत्र 423। हाँ भाग एक सूत्र 423 मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। एक नहीं 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 वो तो ठीक है, नंबर मिल गया तो 423। हाँ 423। हाँ ठीक है। यार यानी यार यान जी, એવું જોઈને વ્યવહાર કરશો, હિન્દી મે હૈ। હા હિન્દી મે વ્યવહાર કી વેલ્યુએશન મત કરિયેગા और आत्मा का डिवेल्युएशन ना हो ऐसा ध्यान रखते हुए व्यवहार करिएगा। पीयूष जी सुन रहे हैं? हाँ जी। तो ज्यादातर सभी लोग व्यवहार की वैल्यूएशन ज्यादा करते हैं कि नहीं ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा,
यहाँ तो जाना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो व्यवहार की वैल्यूएशन ज्यादा एक साथ में दोनों है, एक व्यवहार का प्रसंग है और साथ में वही टाइम सत्संग का है, तो आप किसकी वैल्यूएशन करोगे? ज्यादातर व्यवहार में हो जाता है, जैसे अभी का एग्जांपल दूंगा, मेरा ऑफिस का काम भी चल रहा था तो था के प्रश्न पूछना है तो प्रायोरिटी पहले वो ऑफिस व्यवहार वाले ध्यान में चली जाती है। हाँ, क्योंकि सभी जगह पर व्यवहार की वैल्यूएशन रहती है। मान लो कि आप सत्संग में आए हो और सुबह 6 बजे विधि का प्रोग्राम रखा है, आप उठ जाते हो लेकिन स्नान नहीं किया, इसलिए आपको ऐसा लगे कि नहीं, स्नान किए बिना तो हम नहीं जा सकते हैं, स्नान किए बिना तो ये हम नहीं कर सकते हैं। तो अभी विधि का लाभ लेने का है, आत्मा की जहां प्रगति है, आत्मा का जहां उत्थान है, वो विधि का लाभ लेने का है, लेकिन हम क्या करेंगे कि अभी स्नान नहीं किया है इसलिए हम नहीं जा सकते, नहीं जाना है। तो किसका महत्व दिया, किसकी वैल्यूएशन बढ़ी? व्यवहार की। व्यवहार की। तो ज्यादातर जिसको ये निश्चय प्राप्त नहीं हुआ है तो वो व्यवहारमय ही होता है, इसलिए वो व्यवहार की ही वैल्यूएशन करता रहेगा। लेकिन जिसको मैं शुद्धात्मा हूं, ये 5 आज्ञा दृष्टि प्राप्त हो गई है, तो वो आत्मा का भाव खुला हो गया है, आत्मा की प्राप्ति हो गई है, तो फिर वो आत्मा की वैल्यूएशन बढ़े ऐसा ही करेगा। समझे? जैसे मैं ये सोच रहा था कि जैसे व्यवहार जो सामने से आता है, हाँ, तो उसकी हमको परख नहीं करनी चाहिए, मतलब वो अच्छा आया, बुरा आया, गलत आया, सही आया, वो भी उसी का पार्ट है या ये अलग चीज? जैसे आपने एग्जांपल दिया कि व्यवहार आता है और आत्मा के लिए कुछ करना होता है तो व्यवहार को प्रायोरिटी देते हैं हम। व्यवहार को प्रायोरिटी क्यों देते हैं? तो अपनी जो बिलीफ लेके आए है ना, वो बिलीफ की वजह से उसकी प्रायोरिटी देते हैं। तो वो बिलीफ आपको नर्तक रूप होती है, तो वहां आत्मा की डिवेल्यूशन हो जाती है। जब आप ऐसा मानकर रूम में बैठ जाते हो कि मैंने स्नान नहीं किया है इसलिए मैं विधि में नहीं जाऊंगा, विधि नहीं करूंगा, तो वो व्यवहार का महत्व बढ़ गया, उसकी वैल्यूएशन बढ़ गई और आत्मा की डिवेल्यूशन हो गई। नहीं, ऐसे अभी भी इस अनुभव ये रहता है कि रात को ऑफिस के काम से लेट हो जाता है, तो काफी लेट होने पे ऐसा लगता है कि अभी सुबह वाला विधि वाला आज थोड़ा लेट उठूंगा, तो वो छोड़ देते हैं, तो फिर ऑफिस का जो काम है वो कंटिन्यू होता है ना हर रोज। हाँ। कि कुछ सौंपने का होता है, टारगेट होता है कि इतना सौंप देने का है आज ही। हाँ, वैसा रहता है, अभी जैसे कुछ पीक टाइम चलता है तो कुछ इमीडिएट देना होता है, पर वो क्या रहता है कि रात को जैसे सुबह कहीं जाना होगा किसी की जगह, रात को बोले कितना लेट सोए तो वो जाने के लिए उठ जाएंगे, बराबर किसी के टाइम में वो जागृति नहीं रहेगी और वो बोले विधि के टाइम में छूट ले लेते हैं। हाँ, आज रात को जरा लेट सोए है, थोड़ा शरीर भी दुखता है, सर्दी भी हो गई है, इसलिए सुबह नहीं उठेंगे। हाँ, वैसा होता है। हाँ, तो किसका वैल्यूएशन हो गया? ये व्यवहार का ही वैल्यूएशन। हाँ, तो हमारी लक्ष्य में आत्मा का वैल्यूएशन होना चाहिए। उसको बोलने का कि अगर सुबह में आप जल्दी उठते हो तो दोपहर को आराम करा देंगे। हाँ, उसको समझाना ही है, उसके पास शक्ति तो बहुत है। अगर शादी में जाना है तो रात को 2 बजे तक काम किया है तो भी 4 बजे उठकर गाड़ी पकड़ेगा।
होता ही है, बाहर ट्रेवल करने जाना है तब भी पकड़ते हैं। हाँ तो सख्ती तो है ना, और वहां उसको थकान भी नहीं लगती है, बराबर। तो यहां पर भी उसको सिर्फ समझाने का ही है। हाँ तो वो तुरंत ही उसको समझ में आ जाएगा। सही है, शक्ति है अंदर, वो खुद हम लोग जिस चीज के लिए मांगनी चाहिए या निश्चय करना चाहिए वो करते नहीं है तो छोड़ जाते हैं। बहुत शक्ति है, लेकिन हमारा निश्चय व्यवहार की ओर है, इसलिए व्यवहार में सब हम तय करते हैं कि कल शादी में तो जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि चाचा के लड़के की शादी है। तो अगर उजागरा है तो भी आप जाएंगे कुछ भी करके, लेकिन बराबर। विधि के लिए उठना है तो मन आपको, बुद्धि आपको भ्रमित कर देती है, और वो टाइम चूक गए, फिर बैठने का मन नहीं होता है, फिर वो दिन चला गया। बराबर, हाँ सही है, एकदम तो सही समझ में आया। व्यवहार की वजह से आत्मा की डिवेल्यूशन नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ समझने का है और निश्चय करने का है, तो अपने आप वो पुद्गल साथ देगा। पुद्गल को ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा ही करना है, आप उसको चलाएंगे कि भाई कल इतने बजे ये करने का है, कल ये करने का है, आज ये सौंप देने का है। तो जो भी आप उसके पास से काम लेना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं। सही है, आप लोगों का आशीर्वाद हो और शक्ति मिलती रहे। नहीं दादा, भगवान का खूब खूब आशीर्वाद है तुम्हारे पर और हमारे पर, सभी महात्माओं पर। सिर्फ बात समझने की होती है, तो बात अगर समझ में आ जाती है तो अपने आप चेंज हो जाता है। बराबर, सही है, हाँ यही सच्ची जान है। जी, यही सच्चिदानंद। दर्शन भाई, जय सच्चिदानंद। बिहारी आनंद जी, दीपक जय सच्चिदानंद, आनंद जी, जय सच्चिदानंद। बिहारी जय सच्चिदानंद। आनंद जी, मेरा प्रश्न है कि मेरी एक बड़ी सिस्टर अभी 1 महीने पहले एक्सपायर हो गई हाँ और एक छोटी सिस्टर 10 महीने पहले एक्सपायर हो गई। तो बराबर। भैया अपना छोटा भाई जो है महेश, वो क्या स्वामीनारायण संप्रदाय में मानता है? बराबर। अभी उसने मेरे को 2 दिन पहले बोला कि मैंने वो दोनों बहनों का मोक्ष करा दिया बराबर विधि से, उनकी जो विधि होती है। तो बराबर बराबर। तो मेरे को थोड़ा एक्सेप्ट नहीं हुआ। वो व्यवहार से है, व्यवहार की विधि क्या है कि जब तक व्यवहार में वो विधि नहीं होती है तब तक वो लोग मानते हैं कि उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो वो विधि करा लेते हैं तो फिर उसको ऐसा लगता है कि मैंने उसको मोक्ष करा दिया। बराबर है, तो ये एक व्यवहार की बात है, क्या है, व्यवहार की बात। तो रियल में और जीवन में, हकीकत में तो अगर वो तमाम प्रकार से कर्म से मुक्त तो हो गई है तो अपने आप स्वभाव से ही वो मोक्ष में चली जाएगी, किसी को कराने की जरूरत नहीं है। बराबर है। ये मोक्ष करा दिया मतलब के ये सांसारिक जो बंधन थे, हम बंधे हुए थे, बराबर, वो बंधी हुई थी, उनमें से उसको मुक्त करा दिया। हम जो मोक्ष मानते हैं कि मुक्ति करा दी, वो नहीं, क्योंकि हाँ हमारी संसार की मान्यता कैसी है कि जहां तक वो उसकी जो सब विधियां हैं वो विद्या नहीं होती है, वहां तक उसका मोक्ष नहीं होता है, मतलब कि वो मुक्त नहीं होती है, बराबर है, वो यहाँ पर ही रहती है, और बराबर। वो सभी विधि संपन्न हो जाने के बाद वो मुक्त हो गई, हम भी मुक्त हो गए, वो भी मुक्त हो गई, ऐसा व्यवहारिक मान्यता है। मतलब वो मान्यता ही है ना।
मान्यता ही है, व्यवहार की मान्यता है। अच्छा रियल में, फिर रियल में तो उसका, आपकी आवाज नहीं आ रही बिहारी जी। ये व्यवहार की मान्यता है। अच्छा हकीकत में क्या है कि तमाम कर्म से मुक्त होते हैं तभी मुक्ति होती है। अच्छा वहां तक मुक्ति नहीं हो सकती है। बराबर है। और इस क्षेत्र से मोक्ष नहीं हो सकता है। बराबर समझे। अब वो तो बराबर है, लेकिन अपना कोई फिर हिसाब बाकी रह जाता है अगर ये व्यवहार में अपने नहीं करते हैं, ये जो विधि होती है। हाँ हाँ तो कोई भी एक भाई ने करा दिया ना तो वो फैमिली के लिए, वो फैमिली के लिए आ गई, सबके लिए आ गई। नहीं लेकिन वो क्या मेरे को थोड़ा एक्सेप्ट नहीं हुआ तो मैं थोड़ा एक्साइट हो गया और तो थोड़ा उल्टा सीधा बोल दिया कि ऐसे नहीं होता है, ये नहीं होता है, तो फिर वो मैंने वो धर्म का वो प्रमाण दुबा दिया। नहीं वो उसको तो थोड़ा बुरा लगेगा उसके, क्योंकि वो जो धर्म में मानता है उसकी जो बिलीफ है उस हिसाब से उसने करवा दिया, अच्छा काम करवा दिया, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, वैसा नहीं होता है, तो उसको गलत ठहरा दिया। हाँ थोड़ा असर तो होगा ना उसको। हाँ तो वो मतलब वो धर्म का प्रमाण दुबाया ऐसा बोल सकते हैं। हाँ वो प्रमाण दुबाया तो उनको प्रतिक्रमण कर लेने का है। बराबर है। और ये व्यवहार के लोग जो बोलते हैं कि मुक्ति करा दी, मोक्ष करा दिया, वो व्यवहार की बात है, भाषा है। बराबर है। दरअसल भाषा नहीं है। हाँ शब्द एक ही है। बराबर है। लेकिन उसकी समझ अलग अलग है। क्योंकि दादाजी ने तो क्या क्रियाओं से मुक्त करा दिया, तो अभी सब क्रिया करा रहे घर वाले, तो अपने को थोड़ा वो एक्सेप्ट नहीं होता। तो अरे वो क्या है कि ये संसार में हम आए हैं तो सभी क्रिया करनी ही पड़ेगी, समाज मान्य है ना। जैसे कि दादा भगवान क्या धर्मपत्नी हीराबा गुजर गए तो उसको तो सत्संग बंद रखते हैं, अभी सत्संग नहीं रखना है। और जिस तरह से दूसरे आदमी को स्मशान में ले जाते हैं उसी तरह उसको भी स्मशान में ले जाते हैं, लेकिन वो सुखड़ के लकड़िया होती है उससे जलाते हैं तो थोड़ी पवित्रता है। बराबर। व्यक्ति की महत्ता भी बढ़ती है, तो वो तो खुद ज्ञानी पुरुष है तो भी व्यवहार व्यवहार के हिसाब से ही चलना चाहिए और चलता ही रहेगा। हमको व्यवहार को हिलाने का नहीं है। हम जानते हैं कि ये व्यवहार किसी भी प्रकार से जो जीव गया है उसको हितकारी नहीं है। काम में नहीं आएगा, मतलब काम में नहीं आएगा, लेकिन समाज मान्य है इसलिए करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसकी वजह से आप ब्राह्मण को बुलाएंगे, नहीं तो कौन ब्राह्मण को बुलाएंगे। सही बात है। कौन इसको देगा। वो बात सही है। हाँ तो ये सभी का व्यवहार चलना चाहिए ना। हाँ बराबर है। वो ये दरअसल व्यवहार नहीं है, वो जानने का है, और समाज मान्य जो व्यवहार है वो व्यवहार करने का है, व्यवहार को हिलाने का नहीं है, रोकने का भी नहीं है, रोकने का भी नहीं है। बराबर। जैसे हमारे घर में गए, माता जी गए, पिताजी गए, तो जो व्यवहार होता है वो व्यवहार लोग कर ही लेंगे। आप नहीं मानेंगे तो आपको साइड में बिठा देंगे, तू बैठ भाई, अभी साइड में बैठो, हमको करने दो। सही है। हाँ तो वो जानने का है। बराबर। क्या है, जानने का है। हाँ कि दरअसल ये है और ये माना हुआ व्यवहार है। बराबर। मतलब ये परंपरा चलती ही रहती है। समझे। हाँ समझ में आ गया। दादा भगवान क्या बोलते थे कि किसी भी प्रकार के व्यवहार को हिलाने का नहीं है, उसको ठुकराने का नहीं है, उसकी अवगणना नहीं करने की है। व्यवहार व्यवहार के हिसाब से ही चलता रहना चाहिए। और हमको समझने का है कि ये सब बोगस है। बोलने का नहीं, अंदर रखने का है।
हाँ अंदर रखने का, क्योंकि आपके लिए वो तप हो जाएगा। हाँ तप, तप ही है, पूरा तप है, पूरा तप है। तो वो बात क्या, दिमाग में बैठ, बात दिमाग में बैठती नहीं है। हाँ तो वो तो ऐसा ही रहता है। तो वो तप करने का संयोग आया है, तो वो तप करके आप ऊर्ध्व गति में जाओ, बराबर आपका परिणित ऊर्ध्व हो जाएगी तप करेंगे तो। तो सभी हमारे हिसाब से थोड़ा चलता है, नहीं 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 चलता है, घर में समाज में हमारे हिसाब से सब चलता है, नहीं चलता है। हाँ हमारा शरीर ही हमारे हिसाब से नहीं चलता है, तो फिर कौन चलेगा। हाँ सही बात है। तो यही ये बात समझेंगे तभी तो पर हो है वो समझ में आएगा, बराबर। स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग, पर और पराधीन है, वो समझ में कब आएगा। हाँ ये व्यवहार से आएगा। तो ये एक अनचाहे व्यवहार होता ही रहता है, चाहे हम माने या ना माने, वो लोग तो कर ही लेंगे उसके हिसाब से। हाँ जैसे महेश ने व्यवहार वो कर ही लिया। हाँ बाद में आपको बताया। हाँ बाद में बताया। हाँ तो उसको तो जो करना था वो कर लिया, कि चलो मुक्ति दिला दी। हाँ मोक्ष करा दिया बोला। हाँ तो वो तो मुक्त तो हो गया ना, बराबर। वो तो उसके बिलीफ से मुक्त तो हो गया कि नहीं हो गया। हाँ वो हो गया। हाँ बस, तो उसको तो आनंद की शुरुआत हो गई, बराबर। कि भाई मैंने बहनों के प्रति जो मेरा व्यवहार था वो व्यवहार मैंने निभा लिया, बराबर। अब आपकी जो बिलीफ है ये सच्चा है गलत है इसमें, तो इसकी वजह से आपको तकलीफ होगी। हाँ लेकिन व्यवहार व्यवहार से ऐसा भी चलना चाहिए, चलता ही रहेगा, उसको हिलाने का नहीं है। बराबर बराबर बराबर, बहुत बढ़िया है। हाँ जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है, आप त्रिमंत्र बुलाए दर्शन भाई, आप फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोई सव साहुणम, नमो लोई सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावप्पणासनो, सव पावप्पणासनो, मंगलानं च सव्वे सिं, मंगलानं च सव्वे सिं, पद्मं हवै मंगलम्, पद्मं हवै मंगलम्, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।